दोस्तों क्या हुआ जब वैज्ञानिकों ने 1000 साल पुरानी बुद्ध की प्रतिमा का किया सीटी स्कैन और उसमें जो पाया गया उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली के एक पुराने इलाके में खुदाई का काम चल रहा था। खुदाई करने वाले लोगों को वहां पर एक बहुत पुरानी बुद्ध की प्रतिमा दिखाई दी, तो उन्होंने उस प्रतिमा को जमीन से खोद के निकाला और उसे वैज्ञानिकों के हाथ सौंप दिया। उसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों प्रतिमा के मिलने के बाद वैज्ञानिकों ने कराया उसका सीटी स्कैन और जो जानकारी उन्हें मिली वह हैरान कर देने वाली थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि वैज्ञानिकों को ऐसा क्या पता चला जिससे उनके होश उड़ गए। जाने के लिए वीडियो पूरा देखें। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सीटी स्कैन करने से पहले जब वैज्ञानिकों ने बुद्ध की प्रतिमा की अच्छी तरह से जांच की तो उन्होंने पाया कि प्रतिमा के दिल की धड़कनें चल रही थी, जिसे देखकर वैज्ञानिकों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वैज्ञानिकों ने प्रतिमा का सीटी स्कैन करने का फैसला किया। सीटी स्कैन के बाद जब वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट देखी तो ऐसा मानो कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो सीटी स्कैन बिल्कुल एक आम इंसान के सीटी स्कैन जैसा था। वैज्ञानिकों ने प्रतिमा की काफ़ी बार जांच की पर हर बार वही बात सामने आ रही थी। आसपास के इलाके में हड़बड़ी मच गई। प्रतिमा के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी। इस भीड़ से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने इस प्रतिमा को अपने पुरानी लैब में भेज दिया जहां कोई आता जाता नहीं था। लेकिन दोबारा जब वैज्ञानिक जांच करने के लिए लैब गए तब उन्होंने जो नज़ारा देखा वह उन्होंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने देखा कि जहां पर उन्होंने प्रतिमा को रखाया था वहां पर प्रतिमा नहीं थी। प्रतिमा वहां से गायब हो चुकी थी और वह कैसे गायब हुई किसी को अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। फिर भी प्रतिमा वहाँ पर नहीं थी। सबने मिलकर प्रतिमा को खूब ढूंढा पर प्रतिमा का कुछ पता पता नहीं चला। दोस्तों क्या आपको इस घटना के बारे में पहले पता था? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।